सत श्री अकाल। खास मुलाकात हमारे शो में, मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। भाई सब, म्यूज़िक किसे पसंद नहीं है? मतलब हर इंसान को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हर कोई म्यूज़िक का दीवाना है। और मुझे लगता है शायद कोई ऐसा इंसान होगा भाई सब जिसको म्यूज़िक पसंद नहीं हो। और जब हम लोग म्यूज़िक की बात करें तो सिंगर्स के बिना शायद म्यूज़िक अधूरा है। और इसी चीज़ को, मतलब ऐसे ही एक बहुत ही अच्छे सिंगर हमारे आज खास मुलाकात के शो में हमारे साथ है, जिनका नाम है तन्मय चतुर्वेदी जी। और सारे गा मा पा इसके दो बार विनर रह चुके हैं तन्मय जी, साथ ही ने लखनऊ के हेडफोन नवाब से भी जाना जाता है। तो तन्मय जी हमारे साथ है, साथ ही बिरहा नाम का एक नया एल्बम, यानी एक नया एल्बम सॉन्ग आ रहा है जिसके म्यूजिक प्रोड्यूसर निखिल मोडगरे सर हमारे साथ है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास मुलाकात इस शो में। साथ ही श्री जैन मैम हमारे साथ आज मौजूद है, जो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, साथ ही सेंट्रल इंडियाज बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, इसकी एसोसिएट स्पॉन्सर भी मैम है। और इसके बाद हमारे साथ है एंकर परेश, जो टैलेंट फैक्ट्री एंटरटेनमेंट के मैनेजर या हर चीज आप इन्हें कह सकते हैं। तो भाई शुरुआत हम तन्मय से करते हैं, तन्मय जी आपसे करते हैं हम शुरुआत की। मैं सबसे पहले, वैसे तो हम बहुत सारी चीजें आपके बारे में जानते हैं, पर एक सवाल, जो जैसे ही आपका कोई नाम सुने, जो आपको डेजिग्नेशन दी गई है हेडफोन नवाब, तो उसके बारे में जानना चाहती हूँ मैं कि भाई किस तरीके से आपको हेडफोन नवाब इस नाम से नवाजा गया? देखिए सब टीआरपी का खेल है यहाँ वैसे। सो हाँ ऑफकोर्स, मेरे को बहुत शौक है ऐसे हेडफोन कलेक्ट करने का। मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ इक्विपमेंट्स, म्यूजिक इक्विपमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। सो ये हमेशा रहता है मेरे पास, नए नए हेडफोन। मैंने मेरे पापा का बहुत खर्चा करा है, अब वो सब बटोर रहे हैं मेरे से। सो वो चलता रहता है। सो पहले मैं उनका एटीएम खाली करता था, वो मेरा खाली कर रहे हैं। सो हेडफोन्स कलेक्ट करके मैं जब सारेगामा में इस बार पहुंचा, तो पता नहीं मेरे को मेरी टीम ने बोला कि आप स्टेज पे भी हेडफोन लेके ही जाना। आई डोंट नो व्हाट दे वांटेड, बट जब पहुंचा तब पता चला दे गेव मी द नेम। तो बेसिकली वो जो लखनऊ का छोटा नवाब था, लिल चैंप्स, बिकॉज आई वाजंट, अब मैं उतना बच्चा नहीं रहा। सो नाउ द नेम चेंज्ड एंड इट बिकम लखनऊ के हेडफोन नवाब। सो दैट्स द स्टोरी बिहाइंड द हेडफोन्स। ओके, एंड बाकी ऑफ कोर्स हेडफोन मेरी लाइफ जैसा भी है, बिकॉज मेरे को गाने सुनते रहने का बहुत शौक है। सर भी जानते, मैं दिन भर सुनता रहता हूँ, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तन्मय, मैं आपके बारे में आप ही से जानना चाहती हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो शायद तन्मय के बारे में हमें पता नहीं है और जो लोगों को पता रहनी चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप आपके बारे में सारी चीज़ें बताओ। अब वैसा कुछ बहुत खास किया नहीं है। सारेगामा पा ऑफकोर्स बहुत हिट शो रहा है हमेशा से हमारी इंडस्ट्री में। हम इस एक ब्रांड को हमेशा से जानते हैं। उसके बाद मैंने और दो तीन शोज़ किए हैं, जिसमें से एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है जो मैंने किया था, जिसका भी वीडियो भी वायरल हो रहा है। अन्नू कपूर जी लड़ाई कर रहे हैं कुणाल जी से और मेरे गाने पर चिल्ला रहे हैं ऑफकोर्स, तो वो बहुत वायरल है। मैंने मेरा रंग दे बसंती चोला गाया था, सो वहाँ पे भी मैं था। एंड देन फिर आई ट्राइड स्टैंड अप कॉमेडी। मैं छोटे मियाँ चैप्टर 3 कलर्स पे, जो छोटे मियाँ सीज़न आता है, उसी में चैप्टर 3 में आई वाज देयर। आई वाज अ टॉप 7 कंटेस्टेंट। एंड मैंने एक्टिंग में भी ट्राई किया। आई वाज एज अ लीड विलन इन अ मूवी, A.R. रहमान सर की प्रेजेंटेड मूवी थी, अभी अटकन चटकन पिछले साल 5 सितंबर को रिलीज हुई। सो A.R. रहमान सर की मूवी थी, उसमें मैं एज अ लीड विलन था। सो Z5 पे वो मूवी आप लोग वो भी देख सकते हैं। मतलब आपको कह सकते हैं कि आप टैलेंट की खदान हो, है ना? मतलब हर चीज भाई, हर चीज। एक्चुअली क्या, बड़े बड़े सेलिब्रिटी सब गाना गाने लग गए। अब सलमान सर का गाना आ गया, फिर और भी बड़े सेलिब्रिटी, परिणीति मैम का भी आ रहा है। अब जब एक्टर एक्ट्रेस गाना गा रहे हैं, तो फिर हमें भी उनकी लाइन में कूदना, मतलब सिंगर्स को भी बराबर चलता रहना चाहिए। बिरहा की टीम हमारे साथ आज मौजूद है, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरीके का सॉन्ग है बिरहा, क्या है गाने में, ये सारी चीजें। देखिए मेरे हिसाब से इट्स अ टेस्ट चेंज, थोड़ा हम थोड़ा सा हटके कर रहे हैं। ओके, अभी के माहौल में जिस तरीके का म्यूजिक क्रिएट हो रहा है, हम मोस्टली कभी भी म्यूजिक वीडियो देखेंगे, एक बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, कहीं US UK में शूट, कुछ अच्छा मटेरियल ऐसा, और एकदम प्रोफेशनल वर्क, एक सिंपल सोबर गाना जो लोगों की नज़र में रहता है, बहुत ईजी से गाने बन रहे हैं। हमने थोड़ा सा चेंज किया, वी हैव मेड इट अ इंडियन वेस्टर्न फ्यूजन। तो हमने जो हमारी यूथ की नज़र है वेस्टर्न, उस पर भी थोड़ी नज़र डाल के रखी है, और जो हमारा कल्चर है इंडियन, उस पर भी थोड़ा फोकस करके रखा है। सो वी हैव मेड अ फ्यूजन। ये बहुत ही कमाल का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत ही कमाल का गाना है मेरे ख्याल से। ठुमरी अंग है इसका, ठुमरी हमारा बहुत पुराना कल्चर चलता आ रहा है, हमेशा से हम लोग गाते आ रहे हैं ठुमरी दादरा, तो ठुमरी अंग में ये गाना बना है, और मजा आएगा आप लोगों को सुन के फॉर श्योर। अगर उसकी थोड़ी सी झलक यहाँ पे मिल जाए तो ठीक है।
तो मैं सिर्फ वैसे तन मैं एक चीज कह रही हूँ, मैं अभी आपको ये गाना गाने के लिए बोल रही हूँ, उसके बाद और एक गाना बोलूंगी। आप लोग से मना नहीं कर सकते भाई। ओके सो ये थोड़ा अवधी लैंग्वेज में है, जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, लखनऊ। सो लिरिक्स मेरी बनाई हुई है, मैंने ही बनाया है। टैलेंट की फैक्ट्री। लॉकडाउन में बैठे हुए थे, कुछ तो करते रहना था, तो यही हुआ। सो इंट्रो गा रहा हूँ। झाके अब काहे तू मोरे नयनवा, झाके अब काहे तू मोरे नयनवा, नैना ये तेरे भरों कर जाए, बिरहा कोई अब पास ना आए, आए तो फिर ये पीर बड़े जाए, झाके अब काहे तू मोरे नयनवा। बहुत खूब। मतलब इसी से मैं बता सकती हूँ कि भाई हिट हो जाएगा गाना, आसानी से हिट हो जाएगा। मतलब आपने तो सिर्फ इंट्रो सुनाया, मतलब जो आगाज है वो इतना खूबसूरत था, गाना तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। निखिल मोडगरी सर, आप भी हमारे साथ हैं। हर गाने जब भी हम रिलीज़ करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बहुत सारे होते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है गाने के, क्या लगता है आपको क्या होगा? जिस तरह से गाना हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर कौशल महावीर जी ने बनाया है और जिस तरह से हमारे तन्मय जी ने इसको गाया है, जो फील से जो गाना है, तो मुझे तो पूरा यकीन है कि ये गाना हमारी ऑडियंस को पसंद आएगा और हम भी ऐसी आशा और दुआ करते हैं कि वो पसंद करे, तन्मय को ज़्यादा से ज़्यादा दुआ, उनकी सलामती उनको मिले, यही हमारी इच्छा है। तन्मय, एक सवाल आपसे और एक कि मतलब तन्मय को गाना गाना अच्छा लगता है, हेडफोन्स कलेक्ट करना भी बहुत अच्छा लगता है, इसके सिवा आपको और क्या क्या अच्छा लगता है? मुझे एक तो बड़ा, मैं बहुत मस्ती करूँ, मैं इधर उधर दिन भर मेरा कुछ ना कुछ चालू रहता है। सो मेरे को रुकना पसंद नहीं है, बस सिंपल है। अभी मैं जब घर पे था, लेकिन फील द लोग बहुत बोल रहे थे डिप्रेशन बढ़ रहा है ये वो, मैं उस चीज़ को फील कर सकता हूँ मेरे घर में, क्योंकि मेरी आदत नहीं है एक जगह पे टिके रहने की, मैं हमेशा कभी इधर कभी उधर, मोस्टली हमारा चलता रहता है। और बींग एन आर्टिस्ट वो हमारा काम भी है, हम लोग अलग अलग जगहों पे शोज़ करते हैं, कभी इधर ट्रैवल कर रहे हैं, कभी उधर ट्रैवल करते हैं, वो सडन से बंद हो जाता है, सो कुछ वो सब चीज़ें, तो ट्रैवलिंग मेरा एक बहुत ही अलग सा पैशन है। ओके, तो वो मेरे को बहुत पसंद है। देन आजकल पता नहीं, मैं डांस रियलिटी शोज देखना शुरू कर चुका हूँ, मुझे आता नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरे को कुछ अलग सा उसका भी चस्का चढ़ रहा है। मतलब कुछ दिनों में डांस का भी शायद सोच रहा हूँ, मैं शामक डाबर ज्वाइन कर ही लूँ, शायद कुछ अच्छा हो जाए। अभी इन्होंने सिर्फ डांस के देखे ना, अभी तो ये खुद मेकअप वाले रियलिटी शो में आ रहे हैं, तो हो सके मेकअप के ऊपर भी अटक के ऊपर भी अटक उसके ऊपर भी वीडियोस बन जाएगी भाई साहब, ऐसा कुछ हो जाएगा। चलता रहना चाहिए, सब काम होते रहना चाहिए। नहीं, मेकअप तो शायद से वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको मेकअप अपना करवाना पसंद है। आजकल सर कर रहे हैं हमारा मेकअप, जब से मैं इनके साथ आया हूँ, सो इनके पास है वो जिम्मेदारी, तो वो तो मुझे किसी और से करवाना पसंद है। हाँ, हमारे पास एक आर्टिस्ट जब बैठे। भाई साहब, अभी बात निकली मेकअप की, तो मैं हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि टैलेंट फैक्ट्री एंटरटेनमेंट कंपनी की ओर से सेंट्रल इंडियाज बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, मतलब जो मेकअप करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा रियलिटी शो आ रहा है, जिसके हमारे साथ आज एंकर परेश है। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि किस तरीके का ये शो है, क्या क्या चीज़ें होगी इसमें? ये शो जो है बहुत ही बढ़िया सा है, और मैं बता दूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि सर ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा टीवी रियलिटी शो है जो मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर बेस्ड है। एक्चुअली हम लोगों ने ऑलरेडी काफी रियलिटी शोज देखे, रियलिटी शोज में सेलिब्रिटीज देखे। सो एक मौका था, क्या होता था ना कि हमारे इंडस्ट्री में, तो नागपुर एक काफी बड़ा सिटी है, फिर भी लोग यहाँ पूछते हैं, जैसे कि आप इतना अच्छा करते हो, तो थोड़ी देर बाद जब ये मिलेंगे आपसे बिहाइंड द कैमरा, तब ये जरूर 100% आपको ये बोलेंगे, आप इतना अच्छा करते हो, आप बाहर क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ वर्किंग नहीं होती। अभी निखिल सर का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उन्होंने भी यहीं के लिए सोचा है, हम रियलिटी शो कर रहे हो यहीं के लिए सोच रहे हो, वो इसीलिए कि लोगों का जो ये सवाल है वो बदल जाए, लोग ये कहना छोड़ दे कि आप बाहर क्यों नहीं जाते, लोग ये कहे कि आप नागपुर आइए। तो इसी दौरान इतिहास का ये लिखा जाएगा कि नागपुर का भी पहला ऐसा टीवी रियलिटी शो है, क्योंकि इसके पहले कभी ऐसे शो नहीं हुआ। और खास बात यह है कि ये आपके अपने इसी चैनल पे सब लोगों को दिखने वाला है। जी हाँ, इन बीसीएन केबल नेटवर्क के सारे दर्शक इसे देखेंगे। 24 एपिसोड का ये टीवी रियलिटी शो है,
और उसमें से एक खुशी की बात यह है कि एक एपिसोड में हमें नवाब साहब भी नजर आने वाले हैं, यानी कह सकते हैं मेकअप के साथ संगीत का एक तड़का होगा और बिरहा की झलक आपको शायद, मुझे लगता है कि पहली झलक वहाँ नजर आएगी, वहाँ नजर आएगी। तो काफी सारे लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफी पार्टिसिपेशन हो चुके हैं, कुछ और चल ही रहा है, डिजाइन हो चुका है और नागपुर में शूट हो रहा है, सारी चीजें नागपुर में हो रही है। तो कोशिश ये है कि अच्छी से अच्छी चीजें करें। श्री मैम हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी बदौलत इस शो में, क्योंकि हम जैसे कि मैं एंकर कह के जाना जाता हूँ, मैं मैनेजमेंट करता हूँ तो लोग मुझे मैनेजर कह देते हैं, पर मेकअप का शो था तो मेकअप आर्टिस्ट जरूरी था, सिंगिंग का शो था तो सिंगर जरूरी होता है, तो हम नहीं पहुंच पा रहे थे उतने लोगों तक। तो फिर श्री मैम से मुलाकात हुई और इन्होंने अपना जवाब दिया कि हाँ मैं इस शो में आपके साथ हूँ। जितने भी लोग आज हमारे इस शो में जुड़े हैं वो सब श्री मैम की देन है, इनकी मेहनत है, दिन रात एक किया है, लोगों को कॉल करना, लोगों को मैसेज करना, तो इनके लिए सलाम और थैंक यू सो मच श्री मैम, थैंक यू थैंक यू। श्री मैम का जिक्र अभी हुआ, मैं श्री मैम की तरफ रुक करना चाहती हूँ। श्री मैम, जब एक हम रियलिटी शो शुरुआत करते हैं बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती है, और तब जब एक ऐसा नया कंसेप्ट हम ला रहे हैं तो इसके बारे में तब आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, इसके बारे में जानना चाहती हूँ मैं। प्रॉब्लम इनको फेस नहीं करनी पड़ी, प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि श्री दीदी जो है सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, मैंने जैसे कहा, तो इनके समय बहुत मूल्यवान है, तो इनको 101% एक प्रॉब्लम जा रही है समय का। अच्छा, मतलब तालमेल, तो ये बात बता दी। नहीं नहीं, समय का एक्चुअली मेरे क्लासेस भी चलते हैं, बच्चों को पढ़ाने के साथ में भी मुझे ये वर्क करना पड़ता है, जो सेंटर इंडिया बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट का जो है, जिसे बातें करना, पूरा प्रपोजल समझाना कि कैसे ये शो होने वाला है, कैसे हम ये शो को आगे बढ़ा सकते हैं, हर चीज हमको कंटेस्टेंट को बताना पड़ता है। जब कॉल आते हैं ना तो मेरे से कुछ नहीं होता तो मैं भाई की तरफ कर देती हूँ। बहुत हार्ड होता है, ऊपर से महिला वर्ग का शो है, क्वेश्चन इतने रहते हैं ना लेडीज के, जैसे मेकअप आर्टिस्ट के, कि शो कैसे होने वाला है, फिर शो के अंतर्गत क्या रहने वाला है, फिर हमको कितनी मॉडल्स मिलेंगी, क्या होगा, यानी बहुत सारे क्वेश्चन रहते, तो उस क्वेश्चन से मैं कभी आंसर नहीं पाते। तो परेश जी, आपसे मतलब ऐसे ही आपके डिस्कशन से एक सवाल आया कि भाई साहब, हाँ महिलाओं का शो, मतलब बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट रहेंगे, तो बहुत सारे सवाल अगर महिलाओं के हैं तो महिलाएं काफ़ी ये होती है कि भाई हर चीज़ जानिए, पहले सारी चीज़ें परखेंगे उसके बाद ही डिसाइड करेंगे करना है कि नहीं, तो ऐसा कोई इंसिडेंट काफ़ी फनी वाला जो आप शेयर करना चाहते हो कि आपने मतलब सोचा यार शिट अब मैं क्या करूं? अरे मत पूछिए, मुझे महिला ने तो परेशान नहीं किया, पर इस शो में ना पुरुष वर्ग भी बहुत सारे हैं। अच्छा, जो मेकअप आर्टिस्ट है हमारे शो में, जे लड़के भी, बॉयज भी मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी बात है ये। और दूर दूर से, कोई गोंदिया से, बहुत अच्छे अच्छे दूर दूर से लोग आ रहे हैं हमारे शो में। मजा तो तब आता है इनकी इंडस्ट्री में, कि कैसा होता है ना, सब इंडस्ट्री होती है सर अपनी अपनी, और इनकी इंडस्ट्री की खास बात है, खुद नहीं करेंगे दूसरों को डिस्टर्ब जरूर करेंगे, और सवाल इतने पूछेंगे, सर आज सब्जी कौन सी बना ली, अरे यार ये मैं क्या बताऊं, हमें खाने को क्या मिलेगा, सर वहाँ हम लोग 8 दिन रहेंगे तो हम कपड़े कौन से पहने, अरे यार आपके कपड़े हैं, आप पहनी है, 24 आवर्स मेकअप करना है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल, 24 घंटे कौन करेगा। हाँ, एक बात जरूर है, इसकी जो शूटिंग का फॉर्मेट है, शेड्यूल है, वो एक दिन में 3 एपिसोड हम लोग कर रहे हैं, एक एपिसोड का ड्यूरेशन हम लोगों ने रखा है 5 हॉर्स का, क्योंकि जो था 3 हॉर्स होते हैं सर, 1 घंटा अपन पहले दे रहे हैं, 1 घंटा बाद में दे रहे हैं, और पहले से पूरी प्रिपेयर होने की वजह से सारी चीजें जल्दी जल्दी हो जाएगी, 10 दिन पहले ही हम लोग सभी आर्टिस्ट को बता दे रहे हैं कि वहाँ होने क्या वाला है। अच्छा। सारी चीजें, उनको कौन सा मेकअप कब होगा, किस एपिसोड में कौन आएगा, किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, जजेस कौन है, वो टास्क क्या रहने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल है जो हम पहले से प्रिपेयर रख रहे हैं, क्योंकि बाद में समय ना लगे, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है सर को, एक एपिसोड शूट करने के लिए घंटों चले जाते हैं फिर भी नहीं मिलता। एक्चुअली एक दिन हम लोग एक एपिसोड हम लोग का तो एक वीक का एक दिन तो मतलब बहुत सारी बेस्ट विशेज है आपको परेश सर की, मतलब ये जो शो है वो हिट मतलब ऐसे हिट ही हो जाए, हाँ सुपर हिट एकदम, अच्छा क्योंकि सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, ये शो जो हो रहा है ना, ये शो फर्स्ट टाइम हो रहा है और आज तक शायद कहीं हुआ भी नहीं है, और नागपुर में हो रहा है, मतलब नागपुर के लोकल न्यूज चैनल पे
BCN न्यूज़ पे आ रहा है तो ऑब्वियसली हिट होना ही है ये शो। और तन्मय, रियलिटी शोज़ की अगर हम बात करते हैं तो आपने दो बार रियलिटी शोज़ मतलब आप गए हैं। जब आप ऑफ स्क्रीन मतलब ऑन स्क्रीन रहते होंगे, ऑफ स्क्रीन रहते होंगे, बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, बहुत सारी मस्ती आपके साथ हुई होंगी, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं? अच्छा, बेसिकली क्या होता है, बहुत सब क्योंकि दोस्त बन जाते हैं, मोस्टली होता यही है। हम लोग को ऐसा बोल हमेशा से, जब हम पहले पहली बार जब हम रियलिटी शो देखते हैं, जब हम गए नहीं होते तो ऐसा लगता है बहुत कंपटीशन होगा ये लोग, कि आप कैसा बिहेव करेंगे, रैगिंग भी हो सकती है, कुछ भी। अब हमसे बड़े लोग भी, हमसे छोटे, मतलब मेरे रियलिटी शो में मेरे दो तीन लोग थे जो शायद 31 एज के थे अराउंड, मैं 24 का था, और एक लड़की थी जो 16 की भी थी। मतलब देयर इज़ अ वेरी बिग एज गैप, तो ऐसा लगता है कि मे बी शायद थोड़ा वो एज की वजह से पंगे हों, बट ऐसा नहीं होता, वो पूरी फैमिली बन जाती है। तो फैमिली के साथ फिर हम लोग कहाँ के आई, एंड मेरे ख्याल से कोई फनी इंसिडेंट नहीं है, बट हाँ एक बड़ा टेंशन का माहौल हो गया था जब मैं वाइल्ड कार्ड में आया। आई रिमेंबर मैंने मैं जहाँ रहूँ गाया था उस एपिसोड में, इट वॉज़ अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन बिकॉज मेरी सीट को छीनने के लिए 12 लोग बाहर से बुलाए गए थे, जो जिनका गाना मैंने नहीं सुना था, और वो नए आए थे, देवर मैं कहता हूँ चलो 3 सीटें थी और उसके अलावा भी, तो वो अपनी सीटें तो लेते ही और मेरी भी छीनने थे, तो 12 लोग थे जिनमें 4 सीटें थी, जिसमें मेरे को मेरी बचानी थी ऑफकोर्स फॉर श्योर, और इट वॉज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। में वो बहुत कमाल कमाल के सिंगर्स आए थे, तो मैं जैसा आप बोली देख ही रहे, मैं बहुत बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं रुकता ही नहीं हूँ। तो वो दो दिन, लास्ट के दो दिन टेक्निकल और शूट में एकदम शांत था, मैंने ना टीम से बात की, ना कंटेस्टेंट से बात की, ना मैं बस ऐसे स्टेज पे ऐसे फोटो खींचा था स्टेज के। ना रिमेंबर मेरे पास पीछे से क्रू का एक बंदा आया और ये सेट की क्या कर रहे हो, मैंने कहा देख रहा हूँ स्टेज का फोटो ले रहा हूँ, क्या पता कल से देखने को मिले ना मिले। दैट वॉज द डिप्रेशन, दैट वॉज द एंगजाइटी और नर्वसनेस जो दिमाग में थी। फिर मेरे फादर को स्पेशली फ्लाइट से बुलाया गया टू बिकॉज ऑफ माई कंडीशन वगैरह, क्योंकि बहुत बुरी होती जा रही थी, एंड वो आए, एंड देन बहुत सारी और चीज़ हुई। बट लास्ट मोमेंट पे सबसे बेस्ट पार्ट वॉज लाइक कि दोज कंटेस्टेंट जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे, जो ऑलरेडी टॉप 8 में थे, दोज आर द वन हु मोटिवेटेड मी जस्ट फॉर अ, एक झूठ बोलना ही काफ़ी होता है उनका, उनका ऐसे बुला के बोलना, तन्मय अरे क्यों चिंता करो तुम सेलेक्ट हो, हमें रिजल्ट पता लग चुका है, एंड दैट गेव मी द मोटिवेशन, लगा अरे अब तो हो गया। फिर फाइनली फर्स्ट गाना मेरा ही था, एंड थैंक्स टू द जजेस ऑफकोर्स, अगेन एक और मोटिवेशन फैक्टर। मेरे पास शेखर सर आए थे स्टेज पे, ही आस्क्ड मी कि पहली बात तो उन्होंने ये बोली थी कि तन्मय इस सिचुएशन से आके अब तुम जा नहीं सकते, मतलब ही वॉज लाइक यू आर नॉट गोना गेट एलिमिनेटेड, कैसे भी नहीं हो सकते, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें करना ही है ये। एंड देन ही आस्क्ड मी द सॉन्ग एंड ही सेड तन्मय गाने का मूड जानते हो ना, सबके आंखों में आंसू होने चाहिए, दैट वॉज द वर्ड। एंड फाइनली आई सैंग, एंड उसके बाद शेखर सर हग मी आके, एंड एक्चुअली ही वॉज क्राइंग, एंड फर्स्ट परफॉर्मेंस था मेरा और मेरे को 100% मिले थे, एंड देन उसके बाद उन पर इतना प्रेशर आ गया वो 12 पे, कि उन 12 कंटेस्ट में से किसी को भी 100% मार्क्स नहीं मिले। काफी अमेजिंग, काफी अमेजिंग। सो वो सीट फिक्स की एकदम अच्छे तरीके से, कि वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था टैलेंट के बेस। यस, सो मेरे ख्याल से मेरे बाद जो सेकेंड हाईएस्ट मार्किंग थी दैट वॉज 98.7, सो बहुत ह्यूज डिफरेंस ऑफकोर्स था, तो आसानी से फिर टॉप 8 पहुंचे। सो ये मोमेंट है ऑफकोर्स, तो ऑफकोर्स जो ऐसे ही थोड़ी लखनऊ के नवाब के, हाँ ऐसे ही थोड़ी करते हैं। एंड सेकंडली ऑफकोर्स, तो द बिग थैंक्स टू ऑल द कंटेस्टेंट आउट देयर जो मेरे साथ थे फ्रॉम द स्टार्ट, बिकॉज हम लोगों ने एक अलग ही टीम बना ली थी, बिकॉज वो 12 अलग अपनी टीम बना के आए थे, हम लोग को अपनी गैंग लेके थे, तो हम अपनी गैंग लेके थे कि यार वी आर टॉप 8 और टॉप 10 व्हाटएवर, और हम इन 12 को तो हटा ही देंगे यहाँ से, एंड फाइनली वी डिड दैट, वी डिड दैट क्वाइट ऑफन, अच्छे से किया उसे। ओके, तन्मय और एक सवाल मतलब मेरे दिमाग में आ गया, क्या खुराफाती सवाल, दिमाग है बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, मेरा भी खुराफाती दिमाग है यार, जितने बैठे सारे खुराफाती अगर जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो एक्चुअली होते हैं खुराफाती यार, होते ही है वो। निखिल सर ज्यादा खुराफाती, मैं ये सोच रहा हूँ ये शब्द शांत क्यों बैठे हुए, वो जब से मैं आया हूँ शांति नहीं, जब मेरा सिंगर इतना बोलता है तो मुझे शांत रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि वो सारी बस, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, ही इज़ अ रियली नाइस सिंगर, दैट्स व्हाई आई चूज हिम। बहुत अच्छी तारीफ। तन्मय, हाँ जिस तरह से मैं बोल रही थी कि मुझे एक और सवाल आया कि आप सिंगर हो और आप जा रहे हो एक मेकअप रियलिटी शो में एज अ गेस्ट,
क्या मतलब नई नई चीजें फेस करोगे आप, एक्सपीरियंस करोगे? देखिए ऐसा नहीं है कि हम सिंगर्स लोगों का मोस्टली मेकअप से ताल्लुक नहीं रहता, बचपन से देखते आ रहे हैं हम, इसे मेकअप होता आ रहा है हम लोग का, चाहे वो सारे गांव की बात करें और किसी भी रियलिटी शो की बात करें, चाहे मैं कॉमेडी शो की बात, एक्चुअली कॉमेडी शो तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को बप्पी लहरी बनाने के लिए मेरा पूरा मुंह सुजाया गया था मेकअप कर करके करके, तो बहुत हालत हो गई थी। तो हम लोग का काम ऐसे ही चलता है, पूरा मेकअप का काम है सारा, बिकॉज फाइनली स्टेज प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट मेकअप। हम गाते हैं ऑफकोर्स सारा काम इसका है, लेकिन दिखना प्रेजेंटेशन इज वेरी मच नीडेड। सो इन लोग से एक अलग सा ही जो मूवी आई थी अटकन चटकन, उसमें अटकन चटकन एक मूवी जिसमें मेरा मेकअप अच्छे तरीके से हुआ हम लोग का सबका। सो एक अलग सा रिलेशन रहता है हमेशा मेकअप आर्टिस्ट के साथ हम लोग का, बिकॉज दे आर द वन हु जो हमें प्रेजेंटेशन देने के लिए मोटिवेट करते हैं, और शायद इन्हीं की वजह से हम अच्छे दिख पाते हैं। अच्छा गाना सुनना तो फिर वो तो रेडियो पे भी सुन सकते हैं, बट देन टीवी पे दिखना करेक्ट दिख के करेक्ट गाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए पूरा पूरा श्रेय इन लोग को ही जाता है। सो मजा आएगा, मतलब ऑफकोर्स एक साथ इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट नहीं देखे, हाँ दो तीन चार हमारे साथ भी, दो तीन टीम, दो तीन लोग रहते थे मेरे साथ भी सारेगामा में भी, किसी और रियलिटी शो में भी दो तीन लोग रहते हैं हमेशा टू डू द मेकअप, बट यहाँ तो भंडार है। सो फिर मजा आएगा। एक चीज मैं बता दूँ, वैसे ऋचा शर्मा मैम के जो मेकअप आर्टिस्ट है, सतीश सर, अरे वाह, उनको भी इनवाइट किया है। चलिए बच्चा लोग उनसे फाइनली मेरा 100% वो डबल फिर से आएगा और उनको काफी खुशी होगी मेरे आपके बारे में बता के। एग्जैक्टली, बिकॉज ऋचा मैम से तो मेरा बहुत ही अच्छा एक रिलेशन बन चुका है जब से सारेगामा पर हुआ, बिकॉज एक्चुअली उन्हीं की वजह से मैं थोड़ा अपनी गायकी में सुधार ला पाया मैं कहूँगा, क्योंकि शी इज ऑल्सो वन ऑफ योर फेवरेट सिंगर, मेरी फेवरेट सिंगर्स में भी आती हैं और क्यों नहीं आएंगी। मैं जैसा बोल रहा हूँ मतलब वहाँ पे शायद माँ जैसा ख्याल रखा उन्होंने, मैं जिस तरीके के गाने गाता था वो पूरा जोनर चेंज करके मुझे मोटिवेट करना कुछ नया ट्राई करने को, और वो डर हटाना उनके मैनेजर जो उनको मैनेज कर रहे थे वरुण सर या ऋचा मैम, दे हैव डन अ लॉट उन्होंने, या वाजिद सर ने, वाजिद सर के साथ एक अलग सा बॉन्ड था मेरा, एंड उनको तो मैं बहुत याद भी करता हूँ ऑफकोर्स। सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट कैरेक्टर एक्चुअली इन द सारेगामापा हमारे स्टेज पे, मतलब वो कभी भी आके हम लोग से डोनट्स खाओगे, पिज्जा खाओगे और पता चला सबके लिए बॉक्सेस आए हुए, हम सब पिज्जा खा रहे हैं, तो कुछ अलग ही सा एक उनके साथ तो रहता था हम लोग का। सो आई मिस हिम सभी लोग सर, ऑब्वियसली हर कोई मिस करता है। बात अगर हम मेकअप आर्टिस्ट की कर रहे हैं तो श्री मैम को हम कैसे भूल सकते हैं? मैम आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप किसी बड़े कलाकार का वगैरह मेकअप कर रहे हैं और तब यार आपको डर लगा, यार शिट अगर मेकअप थोड़ा सा भी गलत हो गया तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? नहीं, अभी तक तो मुझे चांस नहीं मिला। हाँ बट कैसे होता है ना, नेचुरल मेकअप करना पड़ता है, सबसे बेस्ट मेकअप रहता है वो नेचुरल मेकअप जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में रहता है। हमारा जो मेकअप रहता है वो थोड़ा अलग रहता है, लेकिन जब बॉलीवुड का मेकअप रहता है वो एकदम नेचुरल दिखना चाहिए, क्योंकि उनको स्वेटिंग नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। मैंने तो आज तक बॉलीवुड में नहीं किया मेकअप, बट हाँ मुझे इतना तो पता है कि बॉलीवुड का मेकअप कैसे रहता है, जिसे स्वेटिंग नहीं आना चाहिए, नेचुरल मेकअप करना चाहिए, क्योंकि उनको हर जगह मेकअप से हमको वर्क करना ही पड़ेगा, उनके साथ साथ रहना ही पड़ता है एज ए आर्टिस्ट के साथ में, तो उतना ही ध्यान रखना चाहिए कि जैसे बॉलीवुड में अगर हमारे को एंट्री मिल गई, टचवुड मिलने की, आप रियलिटी शो कर रहे हो और क्या होना तो नेचुरली मेकअप होता है, इतना पता है कि नेचुरली मेकअप करना पड़ता है। एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहूंगा मैं आपको, ये बात मेकअप आर्टिस्ट के, अभी मेकअप आर्टिस्ट पे बात हो रही है हमारी, तो हमारे हम सबकी जिंदगी में एक हमारा सबसे पहले से एक मेकअप आर्टिस्ट रहा है जब से हम पैदा होते हैं, हमारी माँ, हमारी माँ, तो बचपन से मतलब मैं अभी जब कॉन्सर्ट्स करने जाता हूँ कभी भी, ऑफकोर्स मोस्टली हम जब शोज करने जाते हैं तो वी डोंट हैव अ मेकअप आर्टिस्ट, तो वहाँ पे मेरी माँ होती है। क्या बात, मेरे को फोन करने वाली, अगर मैं अकेले भी जा रहा हूँ तो मेरे को फोन करके, तब मैं वो देखो वो फाउंडेशन उस जगह पे रखा है, वो क्रीम वहाँ रखी है, पहले फाउंडेशन लगाना फिर क्रीम लगाना फिर कंपैक्ट थोड़ा सा ऐसे कर लेना, बस हो गया कमाल कमाल फलाना, तो शी इज द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट फॉर श्योर। तो बचपन से वो करती आ रही हैं, सो जैसा मैंने बोला कि एक अलग सा रिश्ता बनता है, तो वो रिश्ता इसी वजह से है क्योंकि बचपन से हम एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ अपनी जिंदगी बिताते आ रहे हैं, वो हमारी माँ ही है या मेरी बहन, और फिर मेरी माँ से मेरी बहन, देन मेकअप की दुकान बनती है, ठीक है, तो हम अपने घर में वो दुकानें देखते आ रहे हैं,
सो फिर इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो अपने टीवी रियलिटी शो में माता है ही माता है और सारी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट है तो ये देखना बहुत अच्छा रहेगा कि भाई इन सारे इसमें जीतेगा कौन, कितनी ज्यादा टफ फाइट रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे अच्छे अच्छे लोग आने वाले हैं और वो जो जंग छिड़ेगी उनमें मेकअप की, वो देखना सच में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा। मेकअप मेकअप में छिड़ गई तो ठीक है, जैसे इनके इंडस्ट्री में होता है सिंगिंग सिंगिंग में छिड़ जाती ठीक है, यहाँ उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तूने मेरा किया हो सकता है नहीं बचना है नहीं नहीं ऐसा होगा ही नहीं, मतलब टच वुड नहीं, हम उसका हम हमारे शो में थोड़ा फन भी कर रहे हैं कुछ चीजें, जैसे इनको टीआरपी के लिए नवाब बनाया गया है, हम भी हमारे टीआरपी के लिए कुछ ना कुछ बनाई देने के लिए मेकअप में कैसे ना हम कंटिन्यू मेकअप आर्टिस्ट को हम मेकअप ही नहीं दे रहे, हम अपने शो में फन भी कर रहे हैं। पता चल रहा है तन्मय सर को बोल दे रहे सर आपको ना झांकना है सारे मेकअप आर्टिस्ट तुम बराबर नहीं करते मतलब अभी इतनी सारी अच्छी बातें हो रही तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ ये शो देखने के लिए, और आई एम श्योर कि हमारे दर्शक जितने भी हैं वो खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे कि भाई ये क्या है, कैसा रियलिटी शो है, हमको तो देखना है, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इसकी। मतलब तन्मय, जैसे मैंने कहा था कि मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ और गाना मैं आपसे गवाने वाली हूँ, और जैसे हमारे पास समय की पाबंदियां है उसको मद्देनजर रखते हुए एक सॉन्ग आपकी तरफ से आज मेरे क्या कहूँ, मतलब मेरे भैया जैसे ही हैं, उन्हें भाई बोलता हूँ, तो उनका बर्थडे और 2007 से उनके साथ जो एक रिश्ता बना है मेरा आज तक, और कभी भी उन्हें फ़ोन करने का बस उनसे बोलने का सर मैं आपका घर आ रहा हूँ आई विल बी रेडी देयर, बैठे होंगे अगर वो घर पे हैं तो मतलब आ जाओ आराम से, वी कैन सेट वी कैन टॉक गा सकते हैं। इज़ नन अदर देन सोनू निगम सर, मेरे भाई, मेरे सर, मैं क्या बोलूँ उनसे बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने, सभी ने सारे सिंगर्स ने सीखा है, बट क्योंकि एक पर्सनल बॉन्डिंग है तो कुछ एक अलग ही सा होता है। सो उन्हीं का एक गाना मैं कोशिश करूँगा कि उनकी अपने न्यूज़ चैनल की तरफ से उनको एक विश, और हम पूरी टीम की ओर से एक बड़ा ही प्यारा गाना उनका, और मेरे ख्याल से उनके सबसे बेस्ट सॉन्ग्स में मैं इसे गिनता हूँ, या शायद एक ही जो सबसे बेस्ट उन्होंने अपनी लाइफ का गाना गाया है जो मेरे को बहुत पसंद है। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं जाना, जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने, इसे छू लूँ जरा मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन आप लोगों के साथ रहा, और आपके साथ जितनी भी गपशप हुई वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। विराह की टीम हमारे साथ थी, साथ ही सेंट्रल इंडियाज मेकअप आर्टिस्ट इसकी भी टीम हमारे साथ थी, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, और ऑब्वियसली जिस तरीके से विराह की बात मैं कहूँ तो तन्मय ने जिस तरीके से गाना गाया, आई एम डैम श्योर यार ये गाना सुपर हिट होगा। और जब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल इंडियाज बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट की, तो ये तो होना ही है क्योंकि ये नागपुर क्या शो है और नागपुर की ही हर चीज से जुड़ा है, तो यार नागपुर वाले हमेशा आगे रहते हैं, बेस्ट रहते हैं, तो ये तो होना ही है। बिरहा भी हिट होगा और मेरा बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। जरूर जरूर। वेल, हमारी बातें को अभी थोड़ा सा विराम देना पड़ेगा क्योंकि समय की पाबंदियां है, पर फिर भी आपके साथ आज जो ये सेशन हुआ वो काफी इंटरेस्टिंग था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप BCN न्यूज पे आए, हमारे खास मुलाकात शो में आए और इतनी सारी बातें हमारे साथ की, और आई एम श्योर ये जो शो है ये दर्शकों को भी हमारे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा।
तो अब आज की हमारी खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए, ऐसे अन्य और चीजों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।